ये तो उठाता 400 किलो और फिर मैं बताती हूँ फिर ऐसा साहिल का हाथ होता है। चलो चलो पैकिंग करेंगे। Hi guys, what's up? Welcome back to another vlog. Good afternoon. Morning में हमने पिछले vlog का ending करी है क्योंकि कल बहुत जल्दी सो गई थी। वृंदावन से आने के बाद सो गए थे और वो इंसिडेंट मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था, किसी की दो तीन आंटियों की डेथ हो गई थी भीड़ भड़के से, बट हमारा प्लान कैंसिल हो रहा था, बट होपफुली माँ के बिहारी जी ने हमें बुला लिया। तो अभी मैं मस्त खाना खाने के लिए बैठी हूँ। मम्मी ने बनाई है मटर मशरूम एंड पापा ने डाली है भरमा भिंडी और ये हमें बहुत पसंद है भरवा भिंडी, पर पहले हम कभी बना नहीं पाते थे क्योंकि हर्ष को नहीं पसंद थी। तो हमारे घर में वैसे हर्ष के नखरों की वजह से सब्जियां बनती है। ओए मेरी चप्पल देख रही, नई चप्पल ये पीछे जो पड़ा है। हर्ष के हिसाब से सब्जियां बनती थी क्योंकि वो खाता नहीं है इतनी सब्जियां, तो हमारी बनी है भरवा भिंडी बाजरे की रोटी एंड सब्जी, वो खाते हैं। शायद हर्ष भी वापस आएगा एंड शाम में हम शायद जिम जाएँ, जिम में भी कॉम्पिटिशन है डेडलिफ्ट का, वो भी शायद मैं दिखाऊँ थोड़ा सा। तो अभी मैं खाना खाती हूँ, लंच करते हैं। ब्रंच में मैंने पोहा खाया था थोड़ा सा, फिर मैं आपसे मिलती हूँ, फिर तसल्ली से बात करेंगे क्योंकि मेरे पास बातें हैं पर मैं कंफ्यूज हो रही हूँ कि मैं खाना पे ध्यान दूँ क्योंकि मेरा दिमाग खाने पे चल रहा है, ये मुंह से सैलिवेटिंग हो रही है खाना खाने के लिए ऐसे हो रहा है। तो हम खाना खाते हैं फिर आपसे मिलते हैं। 2000 years later. Hi guys, शाम हो गया, अपडेट दे रही हूँ। उसके बाद से खाना खा के हम बिस्तर में ही पड़े हुए थे धुप के हुए थे क्योंकि बहुत ठंड हो रही है। कल जैसे फॉग था बहुत ज़्यादा, अभी भी फॉग हो गया, मतलब साढ़े पाँच बज रहे होंगे एंड 5 बजे से फॉग यहाँ पर स्टार्ट हो गया। अभी तो रात होने वाली है, रात क्या होने वाली, शाम हो रही है, मैं पागल हो गई हूँ गाइस। तो पूरे दिन आराम करा, मैं आपको अपडेट देती हूँ क्या हुआ। हर्ष आ रहे हैं वहाँ पर, वो तो अलग बात है, चलो वो आ रहे हैं अभी रस्ते में, वो 7:30 तक अकॉर्डिंग आएगा, फिर हम मिलेंगे। हमारे जिम में 6 बजे डेडलिफ्ट का कॉम्पिटिशन स्टार्ट है, वो मैंने आपको बताया था। अब मुझे ये नहीं पता, हमारे जिम में मैंने तो नहीं देखा, गर्ल्स बहुत आई है, मेरे टाइम पे 3-4 आती हैं मेरे को इंक्लूड करके, और भी आती है, वो सुबह ज़्यादा आते हैं लोग, तो मैं सुबह जाती नहीं हूँ, मुझे नहीं पता सुबह का क्राउड कैसा है। तो मुझे ये नहीं पता लड़कियों का डेडलिफ्ट होगा या नहीं, क्योंकि मैं डेडलिफ्ट कभी नहीं मारती, मैं और साहिर हम लोग डेडलिफ्ट नहीं मारते, जो कंपाउंड मूवमेंट्स होती है ना सिर्फ डेडलिफ्ट वेटेड स्क्वाट्स वो नहीं मारते। मैंने पिछली बार वेटेड स्क्वाट्स मारे थे क्योंकि मुझे लगता था यही कि यार वो तो मेन होते हैं, उससे आपके लेग्स की बैंड बची और वो बची थी तो वो हम मारते नहीं है बिल्कुल भी। तो साहिर भी शायद ही करे, वो तो उसको तो फीवर हो रहा है, बीमार उठा है वो, तो वो शायद ही जिम जाए, बट मेरे को डेडलिफ्ट देख के आना ना। मेरी जैकेट हर्ष लेके गई और मैं बहुत मिस कर रही हूँ क्योंकि अब मुझे 2-3 ऐसे लेयर पहन के जानी पड़ती है एक्टिवा पे, वरना बहुत ठंड लगती है। धुंध हो गई है, बहुत ठंड हो गई है गाइस, आज तो मैं दुबकी पड़ी थी ब्लैंकेट में। और सेकेंड हमारा चल रहा है इंटर्नशिप का, इंटर्नशिप में मेरा सबकी कंपनीज लगी है मेरी, मैं अभी सर्च कर रही हूँ कौन सी मैं करूँ, तो CV वगैरह बनाया है, सब कुछ बनाया, अभी वो सेंड आउट करूँगी कंपनीज को, होपफुली बहुत अच्छी सी कंपनी मिल जाए, या बहुत अच्छी सी भी नहीं तो अच्छा सा जो कंपनी काम करती है, फॉर्म अच्छा काम करती है उसमें मिल जाए, ये विश करो। एंड बस अभी मैं जिम के लिए थोड़ा सा रेडी होंगी, बाल वाले गिर रहे हैं, जैकेट सोचूंगी कौन सी डबल लेयर करूँ चीज़ें, फिर हम निकलेंगे। थोड़ा सा अपने रूम से मिलती हूँ, मैं थोड़े कपड़े इधर उधर समेट रही थी, आज मैं भी होपफुली क्लोसेट कर लूँ, क्या पता नहीं करूँ, पता नहीं गाइस, वो देखेंगे। गाइस लीविंग फॉर जिम, धुन देख लो, धुन चेकआउट करो, और मैं इतनी पागल हूँ, कल वृंदावन से आई प्रसाद लेके साहिल का, कल बाहर गई थी तो मैंने सोचा था उसको दे दूंगी, अभी भी डिग्गी में पड़ा, बट अब देंगे हम रूनी भाई साहब, वो देखो अभी मेरे को देख रहा है, जब तक मैं नहीं जाती मेरे को देखता है एक्टर वाला, एक तो इसको डर भी लगता है एक्टर वाला, बट यस धुन चेकआउट करो, मस्त जाड़ा लग रहा है। मैंने बट अपनी नाइकी वाली हुडी पहनी है अगर आपको दिख रहा है, और इसकी भी पहनी है, इससे फ़र्क तो नहीं पड़ा, अभी मैं भूरों को बाहर वॉक करा के लगी, उसमें भी ठंड लग रही है चलने में। तो एक्टिवा पे तो हमें अभी ही बचाए, हर्ष जल्दी से आए और मैं उसको बहुत चिची चिची सुनाऊंगी क्योंकि मेरी जैकेट लगे, मैं बहुत मिस कर रही मेरी जैकेट को फॉर द फर्स्ट टाइम, वरना मुझे लगती थी बहुत ज़्यादा बल्कि है वो। हम चलते हैं जिम, वो देखो ऐसा अभी भी बैठी है, अभी मम्मी बाहर आएंगे तब जाएंगे, तो हम निकलते हैं, मम्मी आकर देखना आएगा फटाफट चीटी चीटी करके। अरे मैं जा रहा हूँ, मम्मा से हाय। हम जा रहे हैं आप जिम आ गए, वहाँ पर चल रहा है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ, अभी हेल्थ कार्ड वाले करा रहे हैं, अब जब स्टार्ट होगा तब बताऊंगी, और यहाँ गाने तो बंद होने नहीं वाले, तो दूसरा गाना लगा दूंगी बट आपको दिखाऊंगी, थोड़ा वेट कर रहे हैं हम तब तक। तो साहिल भी करता बट बेचारा बीमार है,
ये तो उठाता 400 किलो, और फिर मैं बताती हूँ फिर ऐसा साहिल कहाँ तो और फिर हम जीत जाते। और लड़कियों का होता तो फिर मैं भी दिखा देती, पर लड़कियों का नहीं है, लड़के ही भरे पड़े आज तो। एक लड़की नहीं दिख रही मेरे को, बट नेक्स्ट टाइम साहिल करेगा, मैं साहिल की मस्त वीडियो बना दूँ यार, सबका कॉम्पिटिशन करा लो, बट लड़कियों का भी कराना चाहिए, फिर हम दिखाएंगे अपना जलवा। हम भी जिम करते हैं, लगना चाहिए है ना। गाना देखो क्या चल रहा है, क्या कहना चाह रहा है, चेंज हो गया। हेलो जी गाइस, हम आ गए हैं शो के बाद, पता नहीं कुछ ऐसे कुछ फाइनल नहीं हुआ, कोई ऐसे फाइनल नहीं जीता, चक्कर आने लग गए थे। लास्ट कितना था, 160 गेज लोगों ने 160 मारा, फिर हमने सोचा, भैया ने हमसे मुझसे पूछा मारो, मैंने कहा फिर एक और से पूछा, लड़के चार पांच आ गए थे बाद में, उनसे पूछा तो उनने कहा फिर अब मेरा मन करा, मैंने कहा बेंच प्रेस लगवा ला, क्योंकि मेरा प्लस पॉइंट बेंच प्रेस ऐसा लग जाए। फिर उसके बाद भैया ने एक और बार उससे पूछा, लड़की से पूछा, उन्होंने कहा नहीं अब चार पांच में मैं ही मारती, तो मैं गिफ्ट थोड़ी लेती है ना साहिल, तो इसलिए मैंने नहीं मारा। क्या कह रहे मैं बस उठाती हूँ और मैं ले जाती, इतने भी नहीं है हम कुछ, पता नहीं वो मल्टीविटामिन दे रहे हैं कुछ नहीं है, बट फिर भी 3 दिन, अरे चाहे 50 दिन की दे रहे हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है। बट क्या कैसा लगा साहिल, मैं तो साहिल के लिए वो करती हूँ, साहिल के लिए हम करते हैं घुर, बट साहिल पे मारा, अभी भी इसको फीवर हो गया बेचारे को, वहाँ बैठे बैठे मार देता, मैं इतना वजन मार देता ही, हमें तो कोई वो ही नहीं है, तू मार देता, मैं तो कह रही हूँ अगर साहिल और मैं होते, लड़कियों का भी रखना चाहिए, नेक्स्ट टाइम लड़कियों का भी रखवाएंगे। अब गोइंग बैक होम गाइस, इसको छोड़ दे बीमार इंसान को, हम जा रहे हैं घर। बग्गीज बैक, जो ठंड लगी छपरी लग रहा है अभी तो शक्ल इसमें देख के, कैसा रहा, कहाँ कहाँ गए थे तुम, ओली हम गए पहले चोपटा गए थे, भीड़ थी वहाँ, भीड़ थी गाइस, टुकनाथ मम्मी ने टुकनाथ का नाम पता क्या रखा था, टपकेश्वर। मम्मी घर पे 50 बार ये बोले टपकेश कर रहे टुकनाथ। तो हमारा पहले रास्ता गलत हो गया पहले दिन, फिर हमने सोचा सीधा होली चले गए, होली चले गए वहाँ, होली में बर्फ थी, ट्रैक करा के आया, कितने किलोमीटर की ट्रैक थी पता नहीं, मैंने कहाँ करी थी, 15-16 हज़ार स्टेप ही हुए थे, ज्यादा नहीं हुए, छोटी ट्रैक थी, फिर तो देखना ठंडी बहुत ठंड है ऊपर, पूरा धुंध था अभी, मैं लड़के और हम बैक हो, क्या देखा रहे व्यू, देख हम केबल ठंड है, पापा बिल्कुल पैक होके आए हुए थे, क्या हो गया था तेरी फट गई थी, देख केबल कार ठंड है, वाह ऊपर नहीं ले जाएंगे तेरे को, नाइस, मैं भी जाऊंगी मम्मी अब एक दिन, ये देख है मम्मी, लो अपने कैप रख ले, बहुत अच्छा लगा मम्मा, है मम्मी 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 पापा, मैं भी जाऊंगी, और ये देख कल का ट्रैक, हां जा कल का ट्रैक, कल का ट्रैक, कल का व्यू देख सबसे टॉप से, नाइस, ये मेरे को ना फोटो खींच के भेज दो, व्यू लगा लो, देख एक दिखाऊं, ये देख क्या, ये देख वाह, ये है ना, नाइस, यहाँ फोटो खींच लेता यार, वॉलपेपर बन जाता वरना, बस अब प्रेस करेंगे, थोड़ा सा खाने पीने खाऊंगी, फिर मौज मस्ती आराम, है ना ब्रूनो, है ना ब्रूनो, हाई फाइव, हाई फाइव, हाई फाइव करेगा, नहीं करो हो बेइज्जती मत कर, हाई फाइव, होय हैंडशेक, 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 इग्नोर करके चला गया, देखो सारा चेक कर रहा है, कहाँ से आए, कहाँ से आए, ब्रूनी, ओए ब्रूनी, जंगल, चेक कर ले सब कहाँ से आए, पर वहाँ से चढ़ने का रास्ता उसी के, बैठ गया हमारा, ब्रूनो उधर हो, थोड़ा सा उधर हो, ब्लैकआउट हो गया, पड़ गया था अंधेरे में, काट मत, च
चलो 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 पैकिंग करेंगे पुणे की, पैकिंग करेंगे ठीक है मम्मी चल पुणे की पैकिंग करेंगे। बैठो भी इतने मजे से है जा रहा है। चलो रुन चलो चले आ जाओ। आया इसको लेके जा रहे हैं मेरे को अभी भी ऊपर से आके बैठे जाना है अभी जाएगा मनाली पैक होके देख रहे हैं मैं अच्छे खासे तरीके से बैठा अभी तो देखना इसकी पैकिंग यही बैठेगा और देखना बेड पे नहीं बैठा अपने कभी ये कभी नहीं बैठा बट इधर बैठेगा ये शाना सूटकेस पसंद आ गया इसको मां ले चलते हैं कोमल कहां ऐसे चल ये क्या है किसकी लो ये आज उसकी आ गई दोनों यही सला रहे थे कुछ इसी में हाय हाय आवाज अच्छी नहीं लग रही मुझे हां जब ही तो रोक दिया सिस्टम कितना खुश है अरे अपनी बग 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 इसको यही लगा दे इसके ऊपर ही सो रहा है मैं लेकर आई इसके ऊपर बैठेगा एक लगा ना ये अब बैठेगा लेकिन यार उठाई ना ओहो खेलने लग गया ऐसे ये लो बैठ गया बहुत लेट हो गया आज 3 बज चुके हैं मैं व्लॉग अपलोड कर रही हूँ एंड आज वही दिक्कत आ रही है वो दो घंटे दिखा रहा है पूरे तो वो मैं सॉर्ट आउट कर रही हूँ अभी थंबनेल बना के रख दे ताकि सुबह अगर मैं लेट भी थोड़ा सा उठूँ बट अपलोड कर दूँ टाइम पे यार लेट उठूँ तो भी थोड़ा टाइम पे ना लेट हो पाए तो थोड़ा भी करूँ पर अपलोड कर दूँ मतलब ऐसा नहीं है कि मैं उठते ही व्लॉग पे बैठूँगी ताकि और टाइम लगे एंड मैं चमक इतने ही से ले रही हूँ क्योंकि अब मैं स्किन केयर कर चुका है गुड गर्ल बन रही हूँ गुड गर्ल अभी नहीं बनी मम्मी आई थी अभी वॉशरूम के लिए तो उन्होंने मुझे कुछ बोला नहीं है तो मेरी मम्मी नाराज़ होंगी मैं इतनी लेट तक उठी हूँ बट मैं क्या करूँ व्लॉग एडिट नहीं हो रहा अपलोड नहीं हो रहा था तो इसमें हम फंसे हुए थे तो आई होप मम्मा आप अंडरस्टैंड करोगी मुझे बट कल मैं समझ जाऊँगी सुबह उठ के आपके मूड से अगर आप मेरे से नाराज़ होगी तो बट येस दैट्स फॉर द व्लॉग आज का व्लॉग यही एंड करते हैं कल मैं आपसे मिलूँगी सुबह जल्दी जल्दी अब मेरे को सोना है क्योंकि बहुत नींद आ रही है बस होपफुली ये जल्दी जल्दी हो जाए तो यस कल मिलता है लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना जाके दूसरे व्लॉग्स देख लो मेरे इस व्लॉग को देखने के बाद बाय बाय गुड नाइट सी यू टुमारो।